आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं आपके साथ शिवा कुमार। लॉकडाउन के बाद पूरा देश बंद है और इस वक्त चोर भी काफी बखूबी से लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक वाकया मैनपुरी के बेवर से सामने आया है, जहां पर पांडे पेट्रोल पंप के सामने डीजे की दुकान से अज्ञात चोरों ने तकरीबन 70,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया और घटना को अंजाम दे दिया। देखिए मैनपुरी से हमारे खास संवाददाता अजय भास्कर की रिपोर्ट। तीन मशीनें, एक स्टेबलाइजर और पता लगा, फोन किया था पड़ोसी थे, इतने एक खेत देखने गए अपना। अब मैं आया, अब देखा 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? एक तीन मशीनें गई। कैसे हो गया नुकसान? पीछे से आड़ू लग के हो गया, दुकान के पीछे से आड़ू लग गया। तो कैसे जानकारी हुई आड़ा लगा? एक दिन थे, गाय देखने गए थे खेत में, उन्होंने फोन किया कि आपकी दुकान में आड़ू लग गया है। अब मैं आया, देखा तो आड़ू लग गया, तो मैंने मशीनें देखी आके और सामान देखा, और तो था मशीनें, एक भी नहीं थी, तीन थी, एक भी नहीं, और स्टेबलाइजर भी चला गया। एक मशीन की कीमत कितनी होगी लगभग? 20,000 रुपये, 1200 वाट की, 500 वाट स्टैंडर्ड की, आउट जाती थी। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है? हाँ, तोमर सर आए थे, तो कह गए एप्लीकेशन लिखवा देना आके थाने। तुम्हारा क्या नाम है? आकाश बीजी। किस नाम से दुकान है? आकाश बीजी।